जो हमारे प्रदेश के सभी लोग हैं, आज इतवार है और हम लोग धीरे धीरे पहुंच गए हैं। आप तो जानते हैं यानिवारी महीना शुरू हो चुका है, और इस यानिवारी महीना तो जानत हो कि ये 2021 के बारे में हम बात कर रहे हैं, और यहाँ से अब पता चलेगा कि नई सरकार जो बैठा है, अब ये जितनी बातें कहा है चुनाव से पहले चुनाव के बाद में, तो ये मामला करीब 9 महीना के अंदर में कुछ हला भला होता तो करीबन 5 महीना या 6 महीना जा रहा इस वक्त, और कुछ महीना बाकी है। और हम बात कर रहे हैं कि सूरीनाम के जो इकोनॉमी गिर चुका है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि बात इतना हुआ है कि 9 महीना में लगभग जनता का समस्या हल हो जाएगा। तो कुछ महीना बीत गई से इस वक्त हम लोग 2021 में आ चुके हैं न। अभी एक दो दिन जिस तरह से लोग छुट्टी मना रहे हैं, वीकेंड आ गया है, लेकिन कल से तो 4 तारीख से दनादन लोग के काम पर हो जाना चाहिए, क्योंकि देश में सगरों कहाँ कहाँ काम के लिए जिक्र हुआ, लेकिन देश के सरकार ने ऐलान किया है कि सरकार के दफ्तरों बंद रहेगा और स्कूल भी बंद रहेगा। तो ये पता है कि 1 हफ्ता की 2 हफ्ता महेंद्र 2 वीक 2 हफ्ता तो मैं सस्ती में अनिवार्य स्कूल बंद स्कूल रहेगा, बंद रहेगा आप कंट्रोल। और हाँ नित एसेंशियल दिन्स वो सब बंद रहेगा, एसेंशियल दिन्स खुला रहेगा, जैसे कि पॉलिसी ब्रांडवेयर सिकन हाइस आपोतेक ड्रग स्टोर सुपर मार्क ये सब खुला रहेगा। लेकिन सुनने में भी आयल है कि फीएसबी बमेदल करी से और बपाल द वेंकल साक भी खुला रहेगा, वो लोग को वेल कोफिट नीहन तीन रिहर्स इन आख लेना पड़ेगा, अगर ना लेगा तो जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है उस देहात का ऑपरे होगा। और सुनने में आयल है कि बूटू 5 से 2,500 से लेकर 5,000 उन सबका बूटू अपलह करेगा, और हो सके है कि फरहनिंग भी इंटरेक्ट कर लेगा 6 महीने के, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर इस सब बात ना मिनिस्टर लोग बोली से। बहादुर एक बात बताइए, हमारे समझ में तो आ गया है और कितने लोग के समझ में आ गया है, सरकार क्यों एसएनसीएल में डिस्टन कहता है? अरे कुछ और तनी साधारण के नाम ले। अब जैसे मान लिया जाए कि हम लोग बात करते थे आफन क्लॉक या लॉकडाउन, तो सरकार ये सब नमूना चीज कहाँ से निकाल के लाए है? अब देखो काका बार बार तार करे हमसे पूछे कि भले बताइए एसएनसीएल का दिस्तन का है सरकार बोलत है और लॉकडाउन क्यों सरकार बोलत है? क्या हम लोग ना समझ सकी भाई बात? अब हम आपको लेके हम का बताए, सरकार जो करे तो करे, सरकार के सरकार अपन रास्ता जाए, और जनता जो न समझ पावे तो अब सरकार को कोई आदमी को रखना चाहिए कहीं से समझाने के लिए ना, कैसे? देखिए देखिए आफन क्लॉक एगो नीदरलैंड से वर्ड है, आफन क्लॉक रात के घड़ी आफन क्लॉक, तो हिंदुस्तानी में बोल सकल जा रात के अरे हाँ इन समय आपन से को हाँ। जाने तो और लॉकडाउन वो एगो एंगल से वर्ड है हाँ, तो न तो हिंदुस्त हमारे भाइयों जो है, हाँ हमारे ज्यादा हिंदुस्तानी भाई के बारे में बात करीला, हमारे घर एक बात न हाँ करीला, वो बेचारे बड़ी फर्दुआल ही बात से कि हम न जानी एसेंशियल कौन सी कौन तमाशा करे सरकार। एसेंशियल ऐसे बोल जा हैगा कि जोन मुख्य कैसे बोल जा है कि जोन एगो बलांगरे के दिन से हाँ इंस्टीट्यूट जैसे हाँ एगो है बलांगरे का। के इंस्टीट्यूट जैसे स्कोटू एगो बलांगरे के इंस्टीट्यूट है कि उन लोगों को तू घरे ना रख सके है, चाहे कोफे थे चाहे ना है, तो उन लोगों का काम चाहे करेगा वह, नहीं तो चोरी चपाटी और ज्यादा होगा। तो तब उस सब वो तो एसेंशियल खबर है दिस मुख्य जो लोग बलांगर है का परसोना बा, जैसे कि सीडीबी काम तौर में एगो लड़का जब पैदा भइल तो ओके बिनद्री दाख तो के चाहे नाम दे देवे के, नहीं तो तू बूटू भरिए कोई मर गए है बिनद्री दाख या फिरन तो ये तो के चाहे आस्क्राइब कर देवे के। तो उस सब बलांगर है के परसोना है दिस
ओकरे माने धले कि बपाल द काम धंधा ना हो सके बाई फॉर वे फिनांसिया पर अगर जब ऑफ ले ले ऐसे सेबीमा में जब कब करता ना जाई काम करे तो उतर लोन ना ट्राई कर पाई ना ठीक ठीक एक बता ले ठीक है भाई महेंद्र बात ऐसे है कि जो बात आप बैठ के समझा रहे हैं तो ये तो सरकार को समझाना चाहिए ना एसेंशियल डीज है ना तो यही कारण से सब जज जानना चाहते हैं कि सरकार 6 महीना 5 महीना हो गए घर लोग जनता जानना चाहते हैं कि कौन मीडियम द्वारा आप लोग के संदेशा बाहर जा है वहां सन्नाम में जनता से ज्यादा मीडियम है सन्नाम से ज्यादा टेलीफिशी स्टेशन कौन टेलीफिशी स्टेशन कौन मीडियम से सरकार का संदेशा जनता तक जाना चाहिए सरकार अभी तक ये फैसला न ले पाई है कौन मीडियम के द्वारा सरकार के संदेशा पहुंचना चाहिए जनता के लिए क्योंकि जनता फैला हुआ है सब सब मीडियम में खबर सुनते हैं हर एक मीडियम में एक सोच रहे कहां का सरकार को बताना चाहिए कि हम ये है यहां पर देखियो इतना दूर सच्ची तरफ न जाइयो रखेरेंगे चाहिए एक समय मुकद्दर करे के जब 50 रेडियो स्टेशन है और 30 गो टेलीविजन स्टेशन है तब बोल दे कि 8 बजे सब कोई चाहिए ई बरख तो एक्शन करे के यस देखो चाहे ना वो बात लेकिन एक 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 मीडियम के नाम ले ले नंबर 6 या नंबर 5 या नंबर 3 पर खाली देखियो और ज्यादा ताकि जनता के खबर मिल जाए वन जनता खबर ना मिले है ये सब झूठे हिंदुस्तानियों को न समझा पा रहा क्योंकि हिंदुस्तानी के कोई संदेशा तो है ही नहीं रखेरन के भी चाहिए सब ताल में सब सब ताल में वो बकेन माके करके जब तोरे पास ना वो आदमी ना है तहिया हम लोग बाटी अच्छा उबर करके उन्हें सभी ये जो बीमारी के समस्या जो है COVID-19 ना और कोरोना वायरस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये 24 घंटे के भीतर में पता चला है कि 66 लोग ना जस्ट पॉजिटिव टेस्ट हुआ है और 8 गो इंटेंसिव केयर में और हाँ और पता चला है कि पारामारीबो में सीफन देर तक न वानिका में 13 कमवेना में 5 शर्मक्का में 1 और 9 बाकी डिस्ट्रिक्ट में यानी ये बसमैटिंग मिला है 24 घंटे के अंदर में और 8 लोग इंटेंसिव केयर में तो एक मतलब ये है कि रोजाना जब ये टेस्ट हुए है तो 40-50 गो बस मैटिंग निकलता है इस पारामारीबो में एक मतलब ये है कि ये बीमारी COVID-19 श्रीनाम में कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है ना। ये तो जकड़ लिया जड़ बैठ गया यहां तो सरकार को अब ये समस्या को दूसरी ढंग से बताना चाहिए देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जब लगता है तो डॉक्टर ओरी कहते हैं कि एक आदमी 3 गो के बस मैथ कर रहे हैं तो ओके तो के चाहे त्रासेर करे कि किससे किससे कांटेक्ट में आए ले तो उस सब आदमी के तो के चाहे आफ बाकन करेगा जैसे वो इतलाफ कर ही सही तो हमरे देखे में जब एक और रिसोर्ट में बैतलान में भी इसने हुए हैं एगो देहात में या एगो रास्ता में या एगो एगो एगो, एगो गांव में इतना आदमी बस में बात वो गांव बंद कर दे ताकि फिर सुबह एक गांव में ना जा पावे जब लेको आदमिया ना अच्छा हो बिना लान में रखे रहेंगे वैसे करे है जब एगो दोरपू में वहां पर 6-7 आदमी बस में थे तो दोरपुआ मेहदी से सैनिंग हरमेहती स्लोइट कर देवे बंद कर देवे है तो जब सब कोई अच्छा हो जाए तो दोरपुआ फैले फरकलार हो जाए 7 रोज में या 14 रोज में या 10 रोज में तो यहाँ पारामारी वो में भी वो चीज चाहिए हो गए वह पारामारी बहुत खुलल है तू पारामारी बहुत नॉर्थ में बस मैथ बाटे और तू गए अपन एगो पलवार पारामारी बहुत साइड में या ओस में या वैस में तो वहाँ तू भी बस मैथ कर दिले है तो रखेरें के चाहिए जैसे बैतलान में हो गएगा तो कि जब इस हरिया में इतना बस मैथेंगे बा तो उस हरिया उस आप बाकन कर देवे सुरजाती से स्कूबतू से तो के ना माखे नहीं करे के इतना दिन तलक
तो क्या हुफना है भी अपन इकोनोमिया एकदम से बंद करे के सब लॉकडाउन तो क्या हुफना करे के कि ना सब बंद कर दे की दुकान ही ना हो ताक कहाँ पर बस मैटिंग हुआ बड़का बा उ खबितुआ एकदम से हर मेतीस एक हफ्ता खाद दो हफ्ता खाद बंद कर दे और मनाई लोग जो वो गाँव में रहे हैं ब्रेड पानी दूध से उस सबके खातिर भाव कर ताकि वो फिर रसवा निकल के ना जाए तब तू ऐसे का बोले हैगा कि कोफेतुआ अंदर कंट्रोल कर सके है तो इतना बस मैटिंग ना रही हमने नहीं रखे रहेंगे ना उस पर गौर करी से कि ना दस भाई जी हमारे श्री नाम की जनता आप लोग जो हमारा भाषा समझता है सरकार अपने भाषा में आपको समझाता है लेकिन हम लोग का फर्ज बनता है क्योंकि हम लोग इस देश के नागरिक है और हम लोग अपने समाज को संहार करके चलते हैं और हम आपसे ही बात कहेंगे कि आप लोग हर एक घर में आप लोग होशियार हो जाओ क्योंकि ये कोरोना वायरस अगर बाहर से कोई आता है आप हमेशा घर के एक रिश्तेदार घर के एक फैमिली कहीं बाहर से आया तो उन्हें पूरा तौर से सवाल करियो कहाँ से तू अले है किकरे पास तू रह ले कौन ची करके अले है ताकि आपके 100% से ही कर रहे कि आपके घर के एक परिवार एक फैमिली बाहर से आया है बगैर वो बस में चले करके और जिस तरह से लोग ने अल्कोहल से हाथ धो साबुन से ये सब कुछ करना है आपको सब कुछ मन का और नोश का मुझे सरकार ने कहा लेकिन हर एक घर में अपना एक कंट्रोल होना चाहिए खास करके हमारे हिंदुस्तानियों से बात करते हैं जो हमारा भाषा समझता है ना तो सरकार अपने भाषा में आप लोग से भी बात करेंगे ना बल्कि हम अपने भाषा में आप जनता से बात करते हैं आप जो है 100,000 या 200,000 जनता सुन रहे होंगे आप लोग अपने पांव पर खड़े हो जाइए समझने की कोशिश कीजिए कि ये बस मैटिंग हम लोग को मिल करके दूर करना चाहिए अगर हम लोग मिल करके नहीं करेंगे तो एक से एक मुसीबत पड़ जाएगा क्योंकि अब हम जब देखते हैं कि हमारा जो बर्थ यहां 123 लोग का मृत्यु हो चुकी है 100 इस इंफेक्शन द्वारा भाई जी हॉलैंड में आप जानना चाहते कि आज कितना बस मैच हुआ है हॉलैंड में भाई जी जानना चाहते हैं अभी हम बताएं कि सूरीनाम में 67% पॉजिटिव टेस्ट भेल लेकिन हॉलैंड में आज 67,438 और जाने कितना लोग का मौत भेल 47 लोग का देहांत हुआ है क्या हम लोग को कोई ऐसा संदेशा न मिले है एक ऐसा पैगाम न मिलता है संदेशा न मिल रहा या हम लोग चितौनी नहीं मिलता है कि भाई जी दुनिया में मुसीबत है सूरीनाम में भी है सूरीनाम में इसलिए 66 लोग क्योंकि अभी यहां 0.5 मिलियन जनता न है इसी कारण से तो ये जनता के हिसाब से सेशन सेस्ट बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा भाई जी ना? तो हमारे देखने में भाई महेंद्र सूरीनाम जनताओं को बार बार समझाना पड़ेगा अगर अनिवार्य में हम लोग ये COVID-19 को नीचे न गिराएंगे न हटाएंगे तो फरवरी में ये और मुसीबत हो जाएगा ना ऐसे है ना हाँ और गड़बड़ हो जाएगा जो 5 तक से ज्यादा बस बैठेंगे रहेगा तो बहुत गड़बड़ है तो हम सोचे ला कि ना और स्ट्रेंग मात्र ही हल पड़ेगा और हम सोचे ला कि रखेरिंग के चाहिए एगो आंदर बलै खबितुआ पर इत फूर करे के जैसे कि बिना लान में सब करे हैं अपूरा में जैसे बस में तेंग रहा तो अपूरा सवन हरमेतिस आश्लोत कर दे रहा हम सोचे ला पारामारी वो में उ तरीका से वो सब जो काम करी तो हम सोचे ला तू अन शायद अन वो का नाम हैगा अन कमती कर सके हैगा इन दाम कर सके हैगा बस में तेंग मैं जब तू खोल दिए भाई जा चाहे जहाँ जा और वो भाई वा ना आल टेस्ट करे चाहे वो तनि से खोखीस ठीक इस मुड़ी पीरा है वो बोली ना मांग हमें ना बा आखरी वन ढेर जने हैं कि बोले ना
एगो बुखार बा, हम भीज गई पनिया में, न जब टेस्ट करवावे, तू न जाने की तो के खरीपुआ है कि का बोले है कोफेतवा है, ये खान टेस्ट टेस्ट इस खरातस, तब तू जनिए कि कितना तू पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव बात है, वहां तू लेके वो फिर चले है, और तू लेके जब चलिए तो अपन घर भर अपन औरत लड़कन परिवार रिश्तेदार सबके तू बस मैत कर दिए, दिस चाहे मूड़ी पिराई चाहे खोखी आई चाहे तोर गटई तनी मनी खजवाई, जा भैया जा टेस्ट कर ले, सेकर फो ये साक खानी द्राल। भाई जी अभी हम और इसके बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन पता चला है कि एक और जिसका नाम सांद्रा एस, 48 साल के आयु में ये उम्र के औरत है, तो ये एक सुपर मार्केट में कुछ सामान खरीद रही थी, लेकिन वो सामान खरीद पीछे खड़ी थी, उसके आगे एक और औरत वो अपना टेलीफोन रख दिया अपना तास से उनको तोप करके, और बाद में पता चला कि ये 48 साल का औरत एसंद्रा उस औरत का टेलीफोन चोरी कर लिया, और बाद में वो कैमरा पर देखा गया ना कि ये औरत ने उस औरत का टेलीफोन बेमान करके चल गई है, अब सिपाही उनका तलाश कर रही है। तो ऐसे ऐसे करके भाई जी बहुत से चोर और चोटिन निकल गए सूरीनाम में, सबरो किसी पर भरोसा तो ना कर सके भाई, किसी पर भरोसा ना कर सके। भैया जी एक आदमी जो जैसन शस्त्र हियार का एक आदमी जिसका नाम पूरन अयोध्या, ये रिंग वेख नॉर्थ के तरफ शनिचर के बोम्स क्रेक में गाड़ी दे करके घुस गया, उनका मौत हो गया है, और ये अपने जी हाँ हम जहां तक सोच रहे हैं कि भैया जी ये आदमी एक बयानीश है ना, हाँ, बोरन अयोध्या, तो इनका मौत हो गई है रिंग वेक नॉर्थ बोम्स क्रेक में, बात है शनिचर के रात्रि को, तो ये अफसोस के बात है भाई जी, हम लोग इस परिवार को शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। एक आदमी का और मृत्यु हुई है अफुबाका के रास्ता पर, मास आखनद्यातिक जहां है, ये अपने पत्नी और लड़के के साथ था गाड़ी में, और ये गाड़ी उड़ी जाने से इस आदमी का मौत हो गया है, ये अफुबाका वैक की बात है, अफुबाका बस अख्तन दर पर। हाँ तो ए भैया आप देखो कि हम लोग के पता है कि लोग को गाड़ी उड़ा करके ना चलना चाहिए, गाड़ी धीरे धीरे चलाइए, जिस तरह से उसमें लिखा भाई जी ना कितना स्नेल है इतने होना चाहिए वगैरह, लेकिन यही गाड़ी बैठ जाते तो गाड़ी उड़ाने लगता है, समझ में ना आवे कि ये लोग के दिमाग में कुछ समझ बात जा है कि ना जा है, कौन भाषा में समझाना चाहिए लोग को, मतलब कि कोई भाषा हम लोग के देश में चाहिए जिस भाषा से हम लोग इस जनता को समझा सके, लेकिन जब जनता भाषा ना समझ पा रहा है तो यही तो पता। अब देखिए एक बात बात से कहेंगे, और ये बात एक हैरानी बात है का कि ये हम जीवक की बात करीला, एक डॉक्टर ने हमारा देखभाल कर रहा था, कुछ साल के बात है, एक सिकंदरिस में दो मरतबा कुछ बात कहा, दो मरतबा मैंने कुछ कहा, और मैंने कहा कि कहां पीला कहां कैसे कहा बात है इसे, तो अब हम अपने भाषा में बोल दो हैं कि यहां वहां, तो ये डॉक्टर मुझसे क्या कहता है हमारे ही जात के कि हम हिंदी भाषा न बोलत है न हम समझते है, एक काकी भाई भाई मैं कुछ न बोल दी शायद पेट फाड़ और डाल रहे कुछ समझ में हमारे हम अपने समझ में, अरे बप्पा जब तू हमारा भाषा न जानत है और तू लेकर के इतना लंबा स्पेटी जिनके कुत्ता के शरीर में घुसे थे घाठी, अब वो बप्पा रे बप्पा बच गए हम काकी, बोले हम तो बोले हिंदी भाषा हम ना समझेला ना हम बोल पाएला और ना समझेला,
ना, तो यही तो हम लोग के देश में आज हम लोगन नम्रद्वीप पर जाकर के पड़ गई है। नम्रद्वीप अपने बुढ़िया माई को हमें नेगरे में बताना पड़ते हैं, आजी ये ना तो समझता है कि आजी आजी यू दिलिंगे देसी आजी आजी बोले कहा बोले बचुआ कौन भाषा बतिया थो। तो अब हमें पहले अपने आजी को समझाना पड़ता है उनकी भाषा में जिस भाषा चल रहा देश के अंदर में, क्योंकि हमारा भाषा तो कोई समझता नहीं है ना। तो भाई जी एक जो मृत्यु हुई है अफूबा का मास आतंक पर गाड़ी उलट जाने से, हम लोग इस परिवार को शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। भाई जी अब पता चला है कि लॉकडाउन के समय लॉकडाउन हम लोग आफन क्लॉक कहते थे, अगर आफन क्लॉक कहो तो तुरंत सब कोई जानते हैं, देश भर में समझ गया आफन क्लॉक में, क्योंकि सूरीनाम में जब आफन क्लॉक शुरू हुआ था बहुता के जमाना में, तो एक समाज डाम पर बैठक गाना ग्रुप लेकर के कहीं गाना बजाना से घर को जा रही थी, तो आफन क्लॉक में वो लोग को फौजी ने देखा, कहा जाओ कहां से आओ ये, बस पकड़ के ले गया कंपोनेंट में। बैठक गाना के ग्रुप रहा काकी औरतें, तो बोले कि एक काम करो शुरू करो गाना गावे के, नॉन स्टॉप गाना हुए के चाहिए, एक को सेकंड ना रुकियो। भाई जी हारमोनिया बजावत बजावत औरतिया, एक वो ढोल बजावत बजावत, एक मराका बजा, एक डंटाल बजावत 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 बजावत, पांच नक चाय गए सूट गए भैया, डंटाल लिए दिए मराका लिए दिए गिर गिर बोले हुआ, लेकिन वो बेचारन स्टॉप नहीं हुआ ना। ओके बोले आफन क्लॉक, आफन क्लॉक सब कोई समझता है, यहां लॉकडाउन लॉकडाउन बहुत गजब के बात है भैया, हम लोग को इंग्लिश भाषा बोलना चाहिए, हम लोग को इंग्लिश, हम लोग को अब ये सब भाषा बंद कर देना चाहिए। देखिए 2 जनवरी के बात है, एक आदमी के नाम विलखो आख्तम फैट यार के, ये अपने पत्नी को दारू पी करके मौसी और धमकी दिया कि तुम्हें हम जला देंगे, जिंदा जला देंगे। उसके बाद में हल्ला दंगा, पांच लड़का है उनके ना, पांच लड़का, हाँ, अब वो लड़कन रोने लगा चिल्लाने लगी और औरतिया बोला, अरे लड़कन बोला भैया को बप्पा जला दे जिंदा, सिपाही को तार की है, तो सिपाही आकर के विलखो को पकड़ के ले गए बंद कर दे इसे न, ताकि आजकल कोई कोई ये ऐसा चीज दिलग्गी न है, न जाने की सचमुच वो दारू पी करके आकर के और मैया को भस्म कर दे जिंदा ना। तो ये लॉकडाउन के बारे में बात कर रहे थे, तो 42 लोग को बूटू भरवाई सबसे, अब जा करके 1460 दार, अब जा करके सरकार उन लोगों से पैसा लिया है, आप जानत भैया अब सरकार बकिया सुनी सब पेयम फेयर तक लोग को गिरफ्तार हुआ रतिया के, और 14,700 इतना उन लोग को डार भरना पड़ा है 14,000। तो यही बात सरकार को कब से बताया जाता था, ये सरकार जब तक तू डार न भरवाइये कोई कति न रोक पाइये, नचनिया लोग नाच करके जाते घरे, दारू पी करके जाते घरे, वो बजाती करके जाते घरे, वो वहां पर तूफान, अब जाकर के 14,700 कमा लिया है 42 लोग के ऊपर, अब सरकार के समझ में आ गया है कि जनता कौन बात समझाता सरकार को, है नहीं बात, हाँ ऐसे है। अना जब अना तो बोटो ना मरिए तो बोली वो तो हमें छोड़ देस, समझाए बुझाए के फिर छोड़ देस, ध्यान फिर वही कम हुआ करे, मैं जब झेबिया में से निकारे पड़ी तो बोली ना मांग, ये 500 रुपया बहुत गढ़ू बा, हम 2 सका चौर किन सकते हैं महीना भर के हमार खर्चा बा, तो कमवा फिर से ना करेगा। तो जनता को मालूम हो गई है
कि रात के सिपाही तुम्हें पकड़िए अब से ऊपर से ले जाए तो क्या बैठाई पुलिस अकादेमी में हाँ। और प्लस प्रोसेस फरबाल बनाई हाँ हाँ। 7 दिन के अंदर तो के चाहे पैसवा सेंट्रल बैंक में भरे जनाब भर ले तो दरवारदर आई तोरे घरे तो के दरवारदर कॉस्ट भरे परी प्लस दिबूता मुझे बता दे और हो भी सके कि शांत बोमा ले जाए हो सके हाँ हाँ तो बंद करेंगे जेहल में है। तो ये बात भी अब जनता को समझ में आ गया है। तो भैया जी एक 18 साल के लड़का लौंदा नीज रखवेख में 3 गो भैया खवापंद क्रिमिनलन उन्हें भाग जा करके पकड़ लिया भैया चारों लंग से उनका गहना उतार लिया उनका टेलीफोन ले लिया मतलब लूट करके और वो लोग ने भाग भी गया। तो आप जनता लड़कन जा चाहे जे है ना समझ जाओ कि सड़क पर गहना होना लाद करके अकेले मत चलना न जाने के तुम्हें लूटेगा के तुम्हें तुम्हें एकदम से लूट करके एकदम से आपको लूला कर देगा इतना बात तो याद रखिए समझे ना। ए भाई जी डॉक्शन प्रूफ जब देखी कि सब लोग यहां हल्ला दंगा मचावत है फूड फूड के बारे में डॉक्शन क्लिप के मालिक जो है तो इंपोर्टेर किया अपने ग्राहक के लिए एक फूड जो फूड आज आ गया होगा आज आ चुके होंगे मेरक दो मेल्स वाटरमोलन ऐसे कुछ है तो ये आया है डॉक्शन क्लिप मंगाया अपने लिए अपने ग्राहकों के लिए यूरोपा से और यानी वारी को ये पहुंच गया होगा आज बोट। तो आप देखो हर एक कोशिश करे है फूड मंगाने के लिए और सरकार को भी चाहिए ये सर फूड मंगा करके देश के जनताओं के लिए। अब देखो डॉक्टर क्लब दिखा दिया नकलियो कहता है इंपोर्टेर करके अपने ग्राहक के लिए तैयार कर दिया है। चलेंगे तो हम देख रहे भाई जी यहां पर एक मामला आप लोग के सामने हम बोलने जा रहा हूं। एक आदमी ने क्लिस्टिंग स्ट्रात में और कैसे स्ट्रात के मोड़ पर वहां पर अपना गाड़ी यानी बैरम पर पार्कर किया और ये रात को 11 बजे लॉकडाउन के समय 11 बजे लेकिन पता चला कि ये शराब पिए हुए थे एकदम से नशा था बाप पिए भूत रहा न जाने 1 लीटर या 2 लीटर या 1 कार्टन लेकिन इतना पिया पी करके और वहां पर बैरम पर गाड़ी में सूत गया। लोग ने देखा तो अब सिपाही भी पहुंचा वहां तो सिपाही जब पूछताछ करने लगा तो बोले हम तो अपने घरे सूते मनेर बोले तू घरे ना सूतल है लो तू दाम पर है लो गाड़ी में है लो दारू पी करके बोले ना मनेर एक मिनट तब जो कर आंख ठीक से खुला ना मौसी तो पता चला वो क्रिस्टीन स्ट्रात कैसे स्ट्रात सड़क पर गाड़ी में शराब पी करके सो रहा है और वो सोचते थे कि अपने घरे पहुंच गया। देख लो भैया ये शराब जो है मौसी लोग को हंसाता है लोग को नचाता है लोग को रुलाता है लोग को मरवाता भी इतना बात लोग को जानना चाहिए। ये लोन रोंदो के बारे में आप क्या जानते हैं महेंद्र? जैसे प्रेसिडेंट बोली से कि जनवरी में एक लोन रोंदो आएगा और वो लोन के कई परसेंट होगा वो अभी पता ना है लेकिन वो लोन रोंदो IMF रखेरिंग IMF के ओर गया है यानी कि IMF से कुछ पैसा मांग किए हैं तो हम सोचे ला इन फंड फॉर वार द IMF के बाद और लोन राउंड हमारे देखे में हम जहां तक हमार दिमाग दौड़ रहा है मैंने शबीर कि लोन राउंड मिली लोन राउंड मिलेगा और कौन सी बात कि ABS तारीफ और आता ले दें के पैसा आम हो जाएगा तो ओमा कौन फायदा है कि तू हमें को लोन राउंड दिए और भी अना ब्लास्टिंग वेट जो दिसंबर में बहांदल होत ब्लास्ट लोन ब्लास्टिंग वेट
ओम सेट ब्लास्टिंग वेट और एक ब्लास्टिंग वेट और इनकम से ब्लास्टिंग वो तीन वेट दिसंबर में ना बहांदल हुए कोविड के कारण से और अभी एंड माने तैयार तो जनवरी में हम सोचे वो तीन वेट बहांदल हुई तो अगर आप एगो लोन रोंदे देंगे और हमार फायदा सिर्फ 100 रुपया हो या 200 रुपया हो तो हम कौन फायदा भेल और आप सब चीज फरहोख कर दिए वाटर तारीफ फरहोख ईबीएस तारीफ फरहोख होएगा और भी अना ब्लास्टिंग हम और ज्यादा भरबे तब बेतरे हमें वो लोन रोंदवा ना दे अब हम ना जानीला कि कई परसेंट है हु खा ये कैलकुलेटर कैसे तू कैलकुलेट करिए हमसे बोल कि हम कितना नेटो फोरे जाबे हाँ से है कि हम कितना ब्रूटो फोर आई जाब वन जब हम ब्रूटो फोर आई जाब है तो अब ओमा कॉम्पोनेंटन ना अफ्ट्रैक करल है सह में ये हाथ में अनफरहोखे के तो हमें को फरहोखे दिए भैया तो 1000 या 500 रुपया से फोर आई जाइए और वो 500 रुपया या 1000 रुपया में अब तू स्ट्रोम पानी के भरिए ब्लास्टिंग हुआ ओमा कट गए है मार अब बे चीज हुआ ऑन डे लग बा प्रेसिडेंट बोले है एर कौन तो लोन रोंद इन जनवरी मार लोन रोंद हुआ कौन सी बा कोई ना जाने है अच्छा सेल्फ फॉक्बॉन्स फोर से तो लोग ना बतावे है हाँ तो सी लोग का बोले के बारे में अब तो कोई ना कुछ बोले हैगा फरकाद रिंग भी ना लगे हैगा सी लोग का बोले के बारे में सियालो में ऐसा ही तो ना फरकी सेंग हो अना वन दो डल है फरकी अना सियालो में एको मिस्केन है और एको भैया हो खार्थ है हमें पता ना है कि कैसे ओवरहेड ऑनर हैंडल करे दोनों पार्टी ऐसे ऑनर हैंडल करे है हो हार्ट से या मिसकेन से अब ऑन डे लगभग ओमा अच्छा महेंद्र एक बात चल रहा है देखो आप तो जाने हैं कि लोन के बात भइल है तो अमतनार लोग को सरकार पैसा दे है कोई तरीका से देता है ना बजरेट में लोग को मिलता है हर एक जगह जहाँ जो जो फक आदमी लोग के है लेकिन एक फक जो है और ये एक बहुत अहम फाक भी था जहाँ तक हम जानी है क्योंकि 40-50 साल तक 55 साल तक ऐसे मैं भी उन लोगों के साथ थे ये बैठक गाना के बात हम कर रहे हैं ना तो ये कोविड 19 जब आ गई से बीच में तो इस बेचारन के प्रोग्राम न भइल बैठक गाना वालों ने हर एक हफ्ता 2 या 3 प्रोग्राम वो लोग करते थे कोई का मूरन में कोई के फरियाड़ी में कहीं शादी में ना भतवान भतवान में बहुत बेचारे बड़ी मेहनत किया करते थे हिंदुस्तानियों का इज्जत ये बैठक गाना वालों ने बहुत किया है समाज हो सेमी क्लासिकल हो बैठक गाना हो औरत के नारी समाज हो ये लोग ने पूरा तौर से हमारे समाज को सेवा किया अब ये कोविड आ गया है लगभग 1 साल हो रहा है लगभग ना आप सबके अनकोमा भी ना ना कहीं प्रोग्राम है ना भाईला ना तो इन लोग के लिए हमारा रखेरें कुछ करी से कि ना करी से एक लग एंटरटेनमेंट अना बिजनेस के भी ना उस हम के चाहिएगा अना वाद जैसे अना कल अना मिनिस्टर फान आर्बेट अना श्रीमती कुलदीप सिंह कही से कि रजिस्ट्रे चाहिए करे के तो उस सबके 1500 रुपया मिली मां आप पता ना है वो 1500 रुपया पर मंथ है कि इन मालक है या वन वो 1500 इन मालक दे रही तो कुछ फायदा ना बा वत वो भाई वा बरिस भर अपन एंटरटेनमेंट ना करिस ना गए बैठे गाना गावे ना कुछ वन कोफे थे जैसे ना भतवान में लड़का के मूड़न में ना जन्मदिन में सब फरियादाख में या कौन सी में तो ना आप वो अपन ऑनर हो ओकर बाजा हो जाए चाहे सफा हो के ना के छोड़ के ना वो तो बात सही है वो सही बात बात ये है कि हर एक आर्टिस्ट जो है जो बैठक गाना गावत है एक दंताल भी बजावत है एक ढोल बजावत है ओकर घर में चूल्हा जलता है क्योंकि वो 4 बार हफ्ता में प्रोग्राम करते हैं कोई के जश्न में कोई के विवाह संस्कार या ऐसे तो वो पैसा ओकर आमदनी है इनकोमल लोन है अब वो लोन न पैसा तब ओकर खर्चा ना चली तो अब हम पूछी ला कि इस बैठक गाना ग्रुप वालों को सरकार रजिस्टर करवाई है या न करवाई ला अब तलक तो जैसे हम जानी ला कि ना तो भाई लोग बैठक गाना कलेक्टिव हम बात कर रहे हैं सब आप लोग सबके चाहिए को समाज में बंदल हो एक मैंने शबीर ये आप लोग को जितना जल्दी हो सकता आप लोग इसके बारे में जो मिनिस्टर के मिनिस्टर आर्बेट का आर्बेट जानने के बारे में
तो आप लोग उसे कॉन्टेक्ट करो कि हम लोग के देखभाल के करे, हम लोग के एक को प्रोग्राम कर पैली है, हम लोग घर बैठा है, हम लोग के कोई पुछवार ही नहीं है, तो हमारे देखने में ना हाँ उस सबके भी चाहिए रजिस्ट्रेशन हो गया तो उस सबके चाहिए भी मिले क्या परसी। अच्छा तो भाई जी वो बात अभी बोलने के लिए तो वो बात हम आप लोग को समझा दिए हैं। एक मरगीता में एक सुरैसी का दरवाजा टूट रहा है ना, हाँ कैसे नाम है मरगीता का पोते सुलेश देव सुलेश कमोवेन में, हाँ मरगीता औतियासदा, हाँ तो फूट गए बप्पा पानी हर हर भीतर में पानी हाहाकार करके। तो ऐसे सुने में आए हैं कि ओपन बार बार करके कम करता मिल करके उन्हें रिपेयर कर चुका है ना, जब पानी रुका कोई कारण से। तो ये मरगीता की बात रहा जो हम आप तक पहुंचाए हुए हैं। बाप जी भाई जी जो आरेदिंग है मैं शबीर हाँ वो बस्तुधर के नाम रहा पीतर शाकी अच्छा तो उसका मौत हो चुका है, उनका पत्नी जो था उपरवक्त में ना स्वांगर मेंदर यार केंद्र सेफ यार एलफ यार उस गाड़ी में था। ओहो भाई भाई आप सुन लो तो गाड़ी इतना स्नेल ही चल रही है तो देख कौन सी हो जा है एक परिवार उखड़ गए उजर गया जिसे कहिए, घर के पति देखो देहांत हो गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं अभी माँ पेट से है। तो भाड़ा बताइए आप जो सही ठीक रूप में गाड़ी चलाते होंगे तो आज ये मुसीबत सामने नहीं आता। तो जनता आप सुधर जाओ, हमारे देश के सरकार न खाली बैठ करके आप मिनिस्टर हो या डायरेक्टर हो, आप कुछ नई नई बात सामने रखो। आपने अब देखो इतना गाड़ी सन्नाम में चले हैं, इतना गाड़ी सन्नाम में चले हैं, तेल के महंगाई होते हुए हमारे समझ से बहुत बाहर भैया जी, हमारा देश में तेल के महंगाई पहले जब तेल के महंगाई तो सुनो हड़ताल बोर्ड लेकर के, आजकल जितने महंगाई उतने गाड़ी देश में, उतनी फीवर उतनी तूफान। तो भला बताई न खड़ी दिन में रतिया को गाड़ी चले, रतिया के लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन यानी कि आप क्लॉक के समय, तो सरकार अगर तेल साइड कर दे 50 रुपया के लीटर उतने गाड़ी चली, उतने गाड़ी चली। इसलिए सरकार के लिए हम बार बार संदेशा भेज रहे हैं, अगर सरकार न माने है तो कोई बात न है, बुजुर्ग के बात अगर सरकार न मानी सन्ना में तो हम न समझी कि सरकार किसके लिए काम करे। हम लोग कितनी बार कहा ये सरकार अभी तक इंसान भून भून करता है, तू जब बिहान से हर एक ब्रोकी को अपना ब्रख या सुरनाम ब्रख पर तौल मने ये बताओ तौल अल्कोहल तो ये बताओ तौल एक और भ्यू भ्यू हो ओकरे बाद में फीला रहेगा फीला रहेगा। यह सन्नाम के एक क्वाल है रखे रे लोस्ट्रे यूली नॉट द क्लेन मान इन द क्लांट, अगर आप न सुने मांगे हैं जो क्लेन मान तो चून चून करके बैठावे है, आज वो क्लेन मान का कोई स्टेम रख न रहेंगे। इतना समस्या हम लोग आप लोग के सामने रखते हैं, ला दी टॉल कॉमन एक को घबराहट के बात नहीं है, आज इतना तेल के प्राइस चढ़ जाने पर उतने गाड़ी बप्पा अभी आप क्या बोले औतु लोज दाख आप भी क्रिया न कर ले, औतु लोज दाख भी आपको करे चाहिए, कम से कम रखेरें के कुछ ऐसा चीज करे चाहिए कि हम लोग के लिए एक नया चीज, लेकिन हम लोग को सुधारने के लिए, हम लोग को सुधारने के लिए लागी टोलकूंगा भैया। जितना चीज हुआ थे आप जनता कलाख करते बोले कि रात के फेस न करियो, वो फेस यहां हुए ओ तमाशा फेस का की लेनी दौरत में फेस भाई नचनिया लोग नाचिन बाप, एक आदमी आप दारू पी करके गाड़ी आकर के बीच बीच दाम के बगल कहीं सूत गए, नकुना बजे खुर खुर इधर वारून तक पहुंचे, दो गो दाम को पहुंचा काहे की सूता लिया, मैं जेब में हाथ डाल करके 2000 नगद पैसा घर उतार ली सोना उतार के भाग गया। तो देख कौन ची हो गए। तो भाई जी
हम लोग और के आज 3 तारीख है और दुई गो मर गए। हाँ इस साल में दुई दुदन कानी तो कानी कानी। अच्छा एक बात पता चला है एक बुटीक के बारे में मौसी जसवा में बहुत गड़बड़ी। एक बुटीक में पता चला है कि कामरा कामरा लगल है ना प्रत्येक कामर में एक कैमरा है कैमरा। तो इस बुटीक में अगर आपका एक अच्छा रॉक खरीद लो एक नवा डायरेक्टर खरीद लो रॉक खरीद लो ये खरीद लो अंदर ये तो वहां पर बदलने के लिए मौका इस पास पता चला कि वहां कैमरा लगा है। अब कुछ जनता ने देखी सर और वो कॉन्सुमेंटिंग बॉन्ड था कॉन्सुमेंटिंग बॉन्ड को चिट्ठी लिखी सर जा करके देखे के कि फर्कलेट कामर में फर्कलेट बुटीक में वहां कामरा क्यों लगल है वारम इस कामरा अनवी सर कौन सी चीज खाते हैं वहां तो कपड़ा जो बदले है दमाक दृष्टि पर सो जी जा अपने से अपने खाली देख सके क्या है क्या ना है लेकिन कामरा है तो एक दूसरे कमरा बैठ करके तमाशा लोग भी देख सकते हैं ना। तो ये इसी कारण से का नाम है कौन से बॉन्ड कॉन्सुमेंटिंग बॉन्ड ऑन द सो करेक्ट चाहिए कहां तक ये बात सच है भैया जी। आगे चल करके लोग ने कोशिश की बॉम्ब्स क्रीक में वहां पर फांगरी लगाने क्योंकि वजह क्या है जैसे वो अखबार में लिखल है कि ना लोग बहुत जोर से ऑटो रिंग वैक पर चलाते हैं और जोर से चलाते हुए तो गाड़ी लेकर उस अपन बॉम्ब्स क्रीक में पौने जा रहे हैं। आप ओमा जब आप जाएंगे पौड़ने के लिए कोई भाई निकल जाते हैं कोई हुई में दम तोड़ देते हैं तो अना लोग अना फरसुख किए हैं कि अना फांगरी लगाने के लिए अना रिंग वैक में काफी लोग के देहांत हुआ है बूम्स क्रीक में वो तो लेके लॉकडाउन के समय पर एक ब्रांटवेयर मान के भी देहांत हो गया और ये ससन सखियार के यूनिस भाई के भी देहांत हो गया है। तो अगर फांगरेल रहता तो हो सकते है कि साइतन वो बूम्स क्रीक में नहीं पहुंचता। अच्छा भाई जी 10 बरस के बाद में अब कहीं जाकर के न्यूजीलैंड में श्री नाम का एक अम्बेसडर बनु हुआ वहां बैठक ले रहा है और ये खास करके राजेंद्र खाड़गे जी है जो न्यूजीलैंड में खुद रहते थे न्यूजीलैंड से नेशनलिटी इन्हें था और ये श्री नाम के अलंग से अब वो वहां पर अम्बेसडर है। लेकिन अम्बेसडर के मतलब ये नहीं है कि हम लोग का खाली नाम रहना चाहिए कि हमारे एक अम्बेसडर हुआ है। हम लोग को चाहिए भाई जी कि हमारा अम्बेसडर हम लोग के लिए वहां पर कुछ भी करे वहां के जनताओं के लिए। और अभी तक जैसे न्यूजीलैंड में कितने मुल्कों के साथ जो पहले न्यूजीलैंडर थे जैसे तुर्की हो या मोरक्को वगैरह वो लोग को तो डबल नेशनलिटी है। हम लोग के सरकार क्या सोचते उन जनताओं के हमारे सूरीनामर्स के बारे में जो न्यूजीलैंड पे रहता है। हम लोग को चाहिए जब अब ये मौका मिला है तो हमारे सूरीनामर्स जो न्यूजीलैंड में है उनका उनका पोसीसी जो बिगड़ गया था कितनी सालों से जब से हमारा देश आजाद हुआ है इन लोगों को हक दिलवाने के लिए इनका हक छीना गया था इनको वापस इनका हक मिलना चाहिए। लांस वेद सूरीनाम से नेशनलिटी करेगा जितने लोग यहां से गए हैं और ये अम्बेसडर के चाहिए कुछ ऐसा कानून बनवाने के लिए ताकि हमारा श्री नाम का रखेरिंग उसके बारे में जिक्र करे और वहां पर अभी जैसे बोले डियास्पोरा डियास्पोरा ना अच्छे तो डियास्पोरा भी कुछ कर सके तो करे। लेकिन हम लोग को चाहिए मिनिस्टेरी जो यहाँ श्री नाम का मिनिस्टेरी फॉर बेल्ट न वहां कम से कम एक अंदरदेव होना चाहिए एक मिनिस्टर या अंदर मिनिस्टर डायरेक्टोरेट कहिए जो खास करके रोजाना बात करे न्यूजीलैंड के अम्बेसडर से ऊपर श्री नाम श्री नाम
आकर के यहां और अपना कारोबार करे, इन्वेस्टर करे, या अपना पासपोर्ट बहो करके यहां पर आकर के और अपना कारोबार करे। जिस कुछ न कुछ उन लोग के लिए करना चाहिए जिंदगी में, लीफ इज द कॉर्ट, और हम लोग को उन लोगों को सुधारना चाहिए, है ना महेंद्र? ऐसे है। अच्छा भाई जी, देखो दुनिया में कम से कम कितनी मिलियन के हिसाब से मृत्यु हुई है, मिलियन के हिसाब से लोग बीमारी पाए हैं, पता चला 1.8 मिलियन ना दूधन मिला करके, कोविड 1.8 मिलियन वर्ल्ड वाइड है, और 80 मिलियन बसमतिंगन है दुनिया में। भाई भाई जी, हम लोग को बहुत ध्यान से ये सब बात पर गौर करना चाहिए, बहुत ध्यान से। इतना लोग 80 मिलियन जनता बीमार है, इसका मतलब तो समझ गए लगा कि कौन सी है। अगर ये जो जिस तरह से लोग बोले हैं फक्से, अगर ये फक्से काम न कर पाए न कमान, तो शायद हकीकत में दुनिया हमेशा के हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। प्रभु परमात्मा से हम लोग को दुआ करना चाहिए, क्योंकि जितने लोग अभी तक भरोसा किया कि अभी दुनिया में खुदा है, अल्लाह है, प्रभु है, तो हम लोग को उनके सामने सर झुकाना चाहिए। उनके सामने सर झुकाओ, उनके सामने हाथ उठाओ, प्रार्थना करो, दुआ करो, ताकि हम लोग को मुसीबत से बचाए। ताकतक मिलियन बस मैं बहुत ज्यादा है, और सूरीनाम में देखो 500,000 के जनता के भीतर में आज देखो कई मिला बसमैत हुआ है। एक मतलब आज समझ गए है, हम लोग के चेतावनी दिया गया है, अगर हमारे समझ में ही बात नहीं आता है तो हम लोग को चुपचाप बैठ करके प्रभु परमात्मा के सामने झुक करके प्रार्थना करना चाहिए, अपने लिए, अपने सरकार के लिए, जनता के लिए, गांव के लिए, मनुष्य के लिए, कि हम लोग को मुसीबत से बचाए। जितने गुनाह हम लोग किए उसको उसको हम लोग प्रार्थना करें, दुआ करें, हम लोग को तौबा मांगना चाहिए। Verlängde Bergenzop verse Sahib Roy Iftikhar Ali Khan Khami ke saath ye elan karte hai 8 var janivari ke 3 tarikh 93 93 saal ke umar mein Sahib Roy Iftikhar Ali Khan ke ma Bibi Sahiba Lilian Iftikhar Ali Khan Ramdin ke saas Joel Iftikhar Ali Khan ke dadi Johan Adolf Bengelstraat nummer 124B के रहने वाली बेवा हेलेना वहीदुन्निसा इफ्तिकार अली खान गुलजार वफात पाई है। आने वाले बुध यानिवारी के 6 तारीख मैयत दीदार करने का मौका, सुबह में 11:30 से दिन में 1:30 बजे तक घर पर, 1:30 से दिन में 2 बजे तक राउडिंग्स रहेगा। 2:15 बजे योहान आडोल्फ बेंगलस्ट्रात 124B से मैयत उठाई जाएगी। 3 बजे जनाजा के नमाज एसीफे के कब्रस्तान दुखी वह में पढ़ा जाएगा। उसके बाद वहीं पर तदफीन की जाएगी। तमाम रिश्तेदार हर एक को ये खबर दी जाती है। कानकांत्री स्त्रात नंबर 53 से बेवा राशिदा पीर खान इफ्तिकार अली खान खमी के साथ ये ऐलान करती है 8 वार यानिवारी के 3 तारीख 93 93 साल के उम्र में। बेवा राशिदा पीर खान इफ्तिकार अली खान के माँ आरफा पीर खान, जाफिर पीर खान और रूही पीर खान के नानी, एहसान नन्हे खान के पर नानी, मरहूम शहीद पीर खान के सास। योहान आडोल्फ बेंगलस्ट्रात नंबर 124B के रहने वाली बेवा हेलेना वहीदुन्निसा इफ्तिकार अली खान गुलजार वफात पाई है। आने वाले बुध यानिवारी के 6 तारीख मैयत दीदार करने का मौका, सुबह 11:30 से दिन में 1:30 बजे तक घर पर, दिन रहेगा दिन में 1:30 से 2 बजे तक, 2:15 बजे योहान आडोल्फ बेंगलस्ट्रात 124B से मैयत उठाई जाएगी। 3 बजे जनाजा के नमाज एसीफे के कब्रस्तान दुखी वह में पढ़ा जाएगा। उसके बाद वहीं पर तदफीन की जाएगी।
रिश्तेदार हर एक को ये खबर दी जाती है। नए दलान से साहिब अजय सुचेत खमी के साथ ये ऐलान करते हैं। एतवार यानी वारी के 3 तारीख 93 दरियाने खंडक साल के उम्र साहिब अजय सुचेत के दादी सास बीबी साहिबा नाजीमा सुचेत इफ्तकार अली खान के दादी जैरल इफ्तकार अली खान के दादी एलिनोर इफ्तकार अली खान के परदादी योहान एडोल्फ पेंगल स्ट्रैट नंबर 124 बे के रहने वाली बेवा हेलेना वहीदुन्निसा इफ्तकार अली खान गुलजार वफात पाई है। आने वाले बुध यानी वारी के 6 तारीख मैयत दीदार करने का मौका 11:30 से दिन में 1:30 बजे तक घर पर, दिन रहेगा दिन में 1:30 से 2 बजे तक। 2:15 बजे योहान एडोल्फ पेंगल स्ट्रैट नंबर 124 बे से मैयत उठाई जाएगी। 3 बजे जनाजा के नमाज एसीफे के कब्रस्तान दुखी वह में पढ़ा जाएगा। उसके बाद वहीं पर तदफीन की जाएगी। तमाम रिश्तेदार हर एक को ये खबर दी जाती है। सांतो पाउडर वह सेरी 2 एस्पर्शियो वह नंबर 310 से श्रीमान संजय श्योम्बर सिंह सौख के साथ ये सूचना देते हैं। 20 दिसंबर के 31 तारीख 24 24 साल के उम्र में श्रीमान संजय श्योम्बर सिंह श्रीमती आरती श्योम्बर सिंह श्योमान के बेटा 3 भाई के भाई सांतो पाउडर वह सेरी 2 एस्पर्श वह नंबर 310 से के रहने वाले कुमार सुदेश श्योम्बर सिंह की मृत्यु हुई है। इन्हें लोग ज्यादा भाई करैला और मुनो के नाम से जानते थे। अर्थी कल मंगल यानी वारी के 5 तारीख सुबह 10 बजे घर पर रखा जाएगा। 12:30 बजे सांतो पाउडर वह सेरी 2 एस्पर्श वह नंबर 310 से अर्थी उठाई जाएगी। 2 बजे वह नर्जी पर दाह क्रिया की जाएगी। अर्थी कल सुबह 10 बजे घर पर रखा जाएगा। तमाम परिवार हर एक को ये खबर दी जाती है। Bij een verkeersongeval zondag aan de Afobakkaweg, ter hoogte van mast 38, is een 2e verkeersdode voor 2021 genoteerd. 3 inzittenden raakten gewond en werden per ontboden ambulance afgevoerd naar de spoedeisende hulp. De bestuurder zou volgens voorlopige informatie de controle over het stuur hebben verloren, waardoor het voertuig van de weg raakte, op het trottoir belandde en vervolgens op zijn zij ging. De politie is nog bezig met het onderzoek. Zaterdagmiddag werden de eerste verkeersdoden voor dit nieuwjaar genoteerd nadat de 66-jarige Poran Ajoja bij een eenzijdig verkeersongeval met zijn voertuig in de Boomskreek belandde. Toen de ambulance arriveerde, bleek de bestuurder al te zijn overleden. Serena Esset kennen wij voornamelijk als advocaat en politica. Haar publieke optreden heeft geleid tot de benoeming van Vrouw van het Jaar 2020, een jaar vol verrassende dynamiek. Toch was de uitverkiezing voor de juristen een verrassing. Haar eerste reactie is dan ook dat elke vrouw in Suriname een belangrijke rol vervult in de samenleving. Ze benadrukt in het bijzonder de niet te onderschatten rol van alleenstaande moeders in deze harde tijd. Ook voor de getrouwde vrouwen die hun taken vervullen binnen het gezin en daarbuiten, heeft Esset niets anders dan lof. Ik denk aan de vrouwen die moeten studeren en zij die meerdere banen hebben om het huishouden te kunnen doen. Maar ook de vrouwen met hoge functies. Het is heel bijzonder en daarom voor mij een bijzondere eer om de titel te dragen, zegt zij. De scholen gaan niet meer open op 6 januari, maar over 2 weken. Die mededeling komt zaterdag vanuit de regering. Als bedrijven, supermarkten en openbaar vervoer toegestaan zijn, waarom zijn de scholen dan dicht? Critici vragen zich dit af. Zij stellen dat het onderwijs niet mag achterblijven en men met strikte COVID-protocollen de lessen kunnen voortzetten. WHO adviseert dat kinderen beneden de 13 jaar geen mondkapjesplicht hebben. BVLALS-voorzitter Reshma Mangre
brengt in herinnering dat vlak voor de kerstvakantie COVID-gevallen waren opgedoken op diverse scholen, waarbij zowel kinderen als leerkrachten besmet werden geraakt. Nu geldt er een samenscholingsverbod van meer dan 5 mensen. Al werken we met halve klassen, op dagbasis zie je ongeveer 100 personen op een school. De leraren komen bovendien niet om de ene dag, ze zijn er gewoon elke dag. En de grote scholen hebben 35 leerkrachten. Dus als één persoon besmet raakt met COVID-19, loopt het snel uit de hand en moet iedereen in quarantaine, zegt zij. Alvin Roosveld van de Communicatiedienst Suriname zegt aan Dagblad Suriname dat alle religieuze organisaties, in het bijzonder voor de geclusterde organisaties, de mogelijkheid hebben om via de CD's virtuele diensten aan te bieden. Dit zolang de gebedshuizen gesloten zijn. Roosveld stelt dat dit besproken is tijdens de gesprekken tussen de regering, het comité Christelijke Kerken en de Interreligieuze Raad in Suriname. De regering stelt alle denominaties in staat om hun gebedsdiensten virtueel aan te bieden. De CD's zullen dat dan verslaan. Roosveld stelt dat dit gedaan wordt vanuit het verantwoordelijkheidsgevoel van de regering. De regering beseft dat religie zijn plek heeft. Des te meer in deze donkere dagen zoeken mensen hun soelaas bij het geestelijke. Het Lakshmi Prasad Mungara streekziekenhuis Nikeri is in het nieuwe jaar vrij rustig begonnen. Directrice Shaista Abdul laat aan Dagblad Suriname weten dat rond en tijdens de jaarwisseling er geen vuurwerkslachtoffers zijn binnengebracht. Daarna zegt ze dat op 1 januari 2 baby's ter wereld zijn gebracht in een streekziekenhuis. Een babyjongetje zag zijn eerste levenslicht om 10 voor 10 's morgens, gevolgd uren later om 10 voor 11 door een meisje.